हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पावर रेंजर्स पर एक और वीडियो। दोस्तों, अगर आप काफी लंबे समय से पावर रेंजर्स देखते आए हैं तो शायद आपने भी ध्यान दिया होगा कि पावर रेंजर्स के हर सीजन के इविल साइड में कम से कम एक फीमेल कैरेक्टर जरूर होती है, जिनका अपीयरेंस पूरी तरह ह्यूमनॉइड यानी इंसानों की तरह होता है। फिर चाहे इविल साइड का थीम मॉन्स्टर हो, म्यूटेंट्स हो या फिर एलियंस, ये फीमेल कैरेक्टर्स पावर रेंजर्स के लगभग सभी सीजन में देखी जाती है। और ह्यूमन लुकिंग अपीयरेंस होने और विजिबल फेशियल एक्सप्रेशन को डिपिक्ट करने की वजह से हम सभी इन कैरेक्टर्स के इविल साइड में होने के बावजूद भी काफी हद तक इनसे रिलेट कर पाते हैं। और शायद यही वजह थी कि ज्यादातर सीजन्स में या तो ये फीमेल विलन्स आखिर में अच्छाई की तरफ हो जाती थी या फिर इन्हें इन्हीं के मास्टर्स के द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाता था, लेकिन इन्हें कभी भी दूसरे विलन्स की तरह पावर रेंजर्स के हाथों मरता हुआ नहीं दिखाया गया, कम से कम इनके नॉर्मल फॉर्म में तो नहीं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं फीमेल विलन्स में से टॉप 10 विलन्स का काउंटडाउन करेंगे और आपको देंगे इन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, मुर्गाना, पावर रेंजर्स स्पेस पेट्रोल डेल्टा। पावर रेंजर्स स्पेस पेट्रोल डेल्टा की मुर्गाना का रोल किया था एक्ट्रेस जोसेफिन डेविनसन ने। शुरुआत में मुर्गाना मोरा नाम की एक 10 साल की बच्ची थी जो एक पिक्टोमैंसर थी, यानी वो सिर्फ अपनी स्केचबुक में मॉन्स्टर्स की पिक्चर्स ड्रॉ करके रियल मॉन्स्टर्स बना सकती थी। बदकिस्मती से मोरा के बनाए तमाम मॉन्स्टर्स और उसके दोस्त जनरल वॉल्को के रेंजर्स द्वारा हारे जाने के बाद एम्परर ग्रम ने उसे मुर्गाना में बदल दिया ताकि वो खुद ग्रम की साइड से रेंजर्स से लड़कर रेंजर्स को हरा सके। मुर्गाना एक स्ट्रेंथफुल फाइटर थी, एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट थी, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकती थी और एक ट्रेंड रोबोट हैंडलर भी थी। हालांकि इतनी खूबियों के बाद भी मुर्गाना को अपना एडल्ट फॉर्म ज्यादा पसंद नहीं था और वो हमेशा से अपने पुराने रूप में वापस आना चाहती थी। आखिरकार एम्परर ग्रम ने उसे कामों से खुश होकर उसकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर दी, लेकिन उसे कुछ ही समय बाद कमांडर क्रूगर ने उसे अरेस्ट करके कन्फाइनमेंट कार्ड में कैद कर दिया। मुर्गाना और ग्रम का आपस में क्या रिश्ता था और मोरा कैसे ग्रम के शिप पर आई, ये कभी शो में नहीं बताया गया, लेकिन मोरा का मुर्गाना में बदलना और मुर्गाना का वापस मोरा में बदलने का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था और देखने में काफी मजा भी आया। नंबर 9, नदीरा, पावर रेंजर्स टाइम फोर्स। पावर रेंजर्स टाइम फोर्स की नदीरा का रोल किया था एक्ट्रेस केट शेल्डन ने। नदीरा टाइम फोर्स रेंजर्स के मेन विलन रैंसिक की बेटी थी और एनर्जी प्रोजेक्शन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और टेलीपोर्टेशन जैसी शक्तियां पोजेस करती थी। नदीरा की पर्सनैलिटी की बात करें तो नदीरा काफी ईगोसेंट्रिक थी और थोड़ी सी चाइल्डिश और थोड़ी सी इमेच्योर थी, जिस वजह से वो खुद को लड़ाई से ज्यादातर दूर ही रखती थी और रेंजर से लड़ने का काम अपने साइकिल अवार्ड्स पर ही छोड़ देती थी। अपने पिता रैंसिक के मिशन को पूरा करने से ज्यादा ध्यान नदीरा अपने कपड़ों और ज्वेलरी पर देती थी, जो उसने कभी भी पैसे देकर नहीं खरीदे। हालांकि नदीरा जरूरत पड़ने पर एक टफ अपोनेंट भी थी, जिसे कमजोर समझना बड़ी भूल हो सकती थी। साल 3000 में जब टाइम फोर्स ने रैंसिक को अरेस्ट किया तो नदीरा ने ही टाइम फोर्स के काफिले पर हमला करके अपने पिता को छुड़ाया था। अंत में एक हादसे ने नदीरा को पूरी तरह बदल दिया और उसने अपने पिता रैंसिक को भी इंसानों के लिए अपने दिल से नफरत मिटाने और जंग को खत्म करने के लिए मना लिया। नंबर 8, एल्सा, पावर रेंजर्स डायनो थंडर। पावर रेंजर्स डायनो थंडर की एल्सा का रोल निभाया था एक्ट्रेस मरियामा स्मिथ ने। एल्सा हाइब्रिड डायनासोर म्यूटेंट मेसेगॉग की राइट हैंड जनरल थी और उसके डायनासोर से काल को वापस लाने के सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर रही थी। इसके अलावा फॉसिल्स के विशेषज्ञ डॉक्टर टॉमी ऑलिवर पर नजर रखने के लिए वो पार्ट टाइम में रीसाइड हाई स्कूल की प्रिंसिपल भी बनी हुई थी और अपने इसी पार्ट टाइम काम को वो स्टूडेंट्स को बेवजह परेशान करके और उन्हें डिटेंशन देके काफी इंजॉय भी किया करती थी। हालांकि इस बात का अंदाजा येलो रेंजर कीरा को दूसरे एपिसोड में ही हो गया था, लेकिन इस बात का पता चला एंड में जब एल्सा ने खुद ही डॉक्टर टॉमी ऑलिवर के सामने अपना सीक्रेट रिवील कर दिया। पावर्स की बात करें तो एल्सा के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, एल्सा स्वॉर्डमैनशिप और फाइटिंग स्किल्स में एक्सपर्ट थी और एनर्जी प्रोजेक्शन भी कर सकती थी। एंड में मेसेगॉग ने एल्सा को धोखा दिया और उसकी एनर्जी अपने ट्रांसम्यूटेशन कैनन में ट्रांसफर कर दी। नंबर 7, एस्ट्रोनोमा, पावर रेंजर्स इन स्पेस। यूनाइटेड अलायंस ऑफ इविल की फिगर हेड एस्ट्रोनोमा के रोल को निभाया था एक्ट्रेस मेलडी पर्किंस ने। एस्ट्रोनोमा पावर रेंजर्स इन स्पेस की मेन एंटेगनिस्ट थी, जिसे ब्रह्मांड में प्रिंसेस ऑफ इविल, डार्क प्रिंसेस ऑफ स्पेस और प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस जैसे नामों से जाना जाता था। लेकिन एस्ट्रोनोमा शुरुआत से ही प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस नहीं थी। बचपन में एस्ट्रोनोमा का नाम करोन था और वो प्लैनेट KO-35 पर रहती थी, जहां से डार्कोंडा ने उसे किडनैप किया और एक्लिप्टर के हवाले कर दिया। एक्लिप्टर करोन के लिए फादर फिगर बन गया और उसने करोन को एक इविल वॉरियर बनने के लिए ट्रेन किया। गुजरते वक्त के साथ धीरे धीरे उसकी बचपन की मेमोरीज धुंधली हो गई और इस तरह करोन बनी एस्ट्रोनोमा। एस्ट्रोनोमा ने डार्क स्पेक्टर की मदद से स्पेस स्टेशन, डार्क फोर्ट्रेस और एक रोबोटिक सोल्जर्स की आर्मी कॉन्ट्रास पर अपनी बादशाहत कायम की। एस्ट्रोनोमा और डार्क स्पेक्टर ने मिलकर स्पेस में कई लोगों को अपना गुलाम बनाया और जो नहीं बने उन्हें खत्म कर दिया। पावर्स की बात करें तो एस्ट्रोनोमा के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट थी और एनर्जी ब्लास्ट, टेलीपोर्टेशन और हिप्नोसिस भी जानती थी। नंबर 6, वाइपरा, पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू। पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू की वाइपरा का रोल किया था एक्ट्रेस जेनिफर एलियन ने। वाइपरा महारानी बंशीरा के 3 डीमन जनरल्स में से एक और ह्यूमनॉइड अपीयरेंस रखने वाली एक लौती वॉरियर थी। महारानी बंशीरा की गैर मौजूदगी में वाइपरा ही इंपस के लिए मदर फिगर भी थी। पावर्स की बात करें तो वाइपरा के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, वो डीमनिक मैजिक जानती थी, फायर ब्रीथ कर सकती थी और एक एक्सपर्ट फाइटर होने के साथ साथ हिप्नोसिस, टेलीपोर्टेशन और टेलीपैथी भी जानती थी। वाइपरा ने अपने मॉन्स्टर्स, बैटलिंग्स और हाईली इक्विप्ड फाइटर बगी वाइपरारी की मदद से मरीनर बे पर कई बार अटैक किए, लेकिन उसे हर बार रेंजर्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। उसकी इन्हीं नाकामयाबियों से तंग आकर महारानी बंशीरा ने उसे मारकर उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया और इस तरह अपनी ट्रू फॉर्म को अचीव किया। नंबर 5, मिरर ट्रिक्स,
पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव। पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव की मीराट्रिक्स का रोल किया था एक्ट्रेस रिया वेंडरविस ने। मीराट्रिक्स के पास्ट के बारे में तो ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन शो में दी नहीं गई, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि सालों पहले एक दूर किसी ग्रह पर मीराट्रिक्स को मौत की सजा दी जाने वाली थी कि तभी कैमडोर ने आकर मीराट्रिक्स को बचा लिया और इसी हादसे में कैमडोर एक एमुलेट में कैद हो गया। तब से मीराट्रिक्स कैमडोर की वफादार बन गई और कैमडोर को कैसे छुड़ाने के लिए मीराट्रिक्स ने पृथ्वी पर आकर कोरोना अरोरा के नगीनों की तलाश शुरू कर दी। नगीनों को ढूंढने के लिए मीराट्रिक्स ने कई ट्रिक्स और टैक्टिक्स अपनाए और आखिरकार किसी तरह कैमडोर को आजाद करा दिया। इसके बाद मीराट्रिक्स और कैमडोर ने मिलकर रेंजर्स के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अंत में ऑक्टेवियन चैलेंज को लेकर उन दोनों के बीच में कुछ बहस हो गई, जिसके बाद कैमडोर ने मीराट्रिक्स को उसी एमुलेट में कैद कर दिया जिससे मीराट्रिक्स ने कैमडोर को आजाद कराया था। नंबर 4, मारा पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म। पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म की मारा का रोल किया था एक्ट्रेस कैटरीना डेविन ने, जो निंजा स्टॉर्म के बाद पांचों जायंट हंटर में भी कैसिडी का रोल कर चुकी हैं। मारा इविल स्पेस निंजा लुथोर की भांजी थी और हर वक्त अपनी बहन कैप्री के साथ मिलकर खुद को अपने अंकल लुथोर की सेना में शामिल होने लायक बुरी साबित करने की कोशिश में लगी रहती थी, लेकिन वो ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं हुई क्योंकि मारा और उसकी बहन कैप्री दिल से बुरे नहीं थे। शो में एक बार मारा ने रेंजर्स की शक्तियों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपनी दोस्त बीविल के साथ मिलकर डस्टिन को धोखा भी दिया और ऐसा करने के लिए मारा को मनी मन काफी अफसोस भी था। मारा का ध्यान इविल प्लान्स में कम और फैशन में ज्यादा रहता था। अंत में लुथोर ने मारा और कैप्री को धोखा दिया और उन्हें शिप के साथ ही ब्लास्ट होने के लिए छोड़ दिया, लेकिन कैम लेक और हंटर ने उन्हें और सभी निंजास को बचा लिया, जिसके बाद मारा और कैप्री ने प्रॉपर निंजा ट्रेनिंग लेने के लिए विंड निंजा एकेडमी ज्वाइन कर ली। पावर्स की बात करें तो मारा एक डिसेंट फाइटर थी, टेलीपोर्टेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन और शील्ड प्रोजेक्शन भी कर सकती थी। नंबर 3, कमील पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी। पावर जंगल फ्यूरी की कमील का रोल किया था एक्ट्रेस होली शैनन ने। यह रोल पहले पावर ऑपरेशन और ड्राइव में मीराट्रिक्स के रोल में कमाल का अभिनय करने वाली एक्ट्रेस रिया वेंडरविस को ऑफर हुआ था, मगर वो चाहती थी कि उनके फैंस उन्हें मीराट्रिक्स के अवतार में ही याद रखें, इसीलिए उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। कमील एंशिएंट ड्रैगन एंटिटी डाइशी की इमोर्टल जनरल थी और एंशिएंट बीस्ट वॉर में हार के बाद पिछले 10,000 सालों से डाइशी के वापस आने का इंतजार कर रही थी। 10,000 साल बाद डाइशी जैरेड के शरीर में वापस आया और उन दोनों ने रिंशी ओवरलॉर्ड्स और फैंटम बीस्ट्स के साथ मिलकर रेंजर्स को कड़ी टक्कर दी। वक्त गुजरने के साथ साथ कमील और जैरेड धीरे धीरे एक दूसरे काफी करीब आ गए और जब कमील ने डाइशी को जैरेड पर हमला करने से रोका तो डाइशी ने कमील से उसकी इमोर्टैलिटी और फिनिक्स स्पिरिट छीन ली। लड़ाई खत्म होने के बाद कमील ने अपने दोस्त जैरेड के साथ पाइशवाक ज्वाइन कर लिया और वहां से कुंग फू की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना शुरू किया। पावर्स की बात करें तो कमील हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट थी, इमोर्टल थी, शेप शिफ्टिंग कर सकती थी और कमील के पास एक बैटल रेडी ग्रीन कमीलियन वॉरियर मोड भी था जो उसकी शक्तियों कई गुना बढ़ा देता था। नंबर 2, इविल रॉक्सी पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स। पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स की रॉक्सी का रोल किया था एक्ट्रेस लियाना रमीरेज ने। रॉक्सी एक साइबर विलन जनरल थी जिसे इवॉक्स ने रॉक्सी को क्लोन करके बनाया था। यह हादसा तब हुआ जब ग्रेट बैटल फोर्स द्वारा इवॉक्स वायरस को रोकने के लिए रावी, ब्लेज और रॉक्सी नाम के 3 टीनेजर्स को पावर रेंजर्स बनाया जा रहा था। उसी वक्त इवॉक्स ने ग्रेट बैटल फोर्स के मेन फ्रेम में आकर सिस्टम को करप्ट कर दिया और रॉक्सी और ब्लेज के इविल अवतार्स बना दिए, जिसके बाद असली रॉक्सी और ब्लेज डीप स्लीप में चले गए। इवॉक्स ने इविल रॉक्सी और ब्लेज को इवॉक्स मॉर्फर्स दिए जिससे वो हाईली इक्विप्ड बैटल फॉर्म में मॉर्फ कर पाते थे। जल्द ही ब्लू रेंजर रवि ने इविल रॉक्सी को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी दोस्त रॉक्सी को डीप स्लीप से आजाद करा दिया, लेकिन इवॉक्स को अभी भी रॉक्सी की जरूरत थी, इसीलिए उसने रॉक्सी के इविल अवतार के डिस्ट्रॉय होने के बाद रॉक्सी का एक और रोबोटिक अवतार बना दिया और इस तरह हमें पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स के 2 अलग अलग सीजन्स में येलो और वायलेट कलर की 2 अलग अलग इविल रॉक्सी देखने को मिली। हालांकि एंड में रेंजर्स को हराने के लिए रोबोट रॉक्सी एक बड़े जायंट मॉन्स्टर में बदल गई जिसे रेंजर्स ने खत्म कर दिया। दोस्तों बीते कुछ सालों में पावर रेंजर्स में ह्यूमनॉइड इविल कैरेक्टर का चलन खत्म सा होता जा रहा था, लेकिन बीते साल आए पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स के साथ ये ट्रेंड वापस आता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि अगले साल आने वाले पावर रेंजर्स डिनो फ्यूरी में भी ट्रेंड कायम रहता है या नहीं। नंबर 1, टनाया जनरेशन 7 पावर रेंजर्स आरपीएम। पावर रेंजर्स आरपीएम की टनाया जनरेशन 7 का रोल किया था ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस एडिलेड केन ने। टनाया वेंजेक्स की बनाई ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन अटैक बॉट थी। शुरुआत में बताया गया था कि टनाया को वेंजेक्स वायरस में ह्यूमन डीएनए मिलाकर बनाया गया था जो ह्यूमन की तरह दिखने और बात करने वाली एक डिस्ट्रक्टिव वॉरियर थी, लेकिन बाद में पता चला कि टनाया कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान और ब्लैक रेंजर डिलन की बहन थी जिसके अंदर साइबरनेटिक एनहांसमेंट्स किए गए थे। जब डिलन को इस बात का पता चला तो उसने अपनी पूरी जान लगा दी टनाया को इस बात पर यकीन दिलाने के लिए कि वो उसकी बहन है। हालांकि शुरुआत में टनाया को डिलन की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपने हाथ से खून निकलता देखा तो उसे यकीन हो गया कि उसके अंदर ह्यूमन डीएनए मौजूद है, जिसके बाद टनाया ने अपने दिमाग पर थोड़ा और जोर डाला और उसे अपने अतीत की कुछ कुछ बातें याद आने लगी। बदकिस्मती से डिलन और टनाया की यादाश्त कभी भी पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाई, लेकिन जो थोड़े बहुत विजन्स उन्हें दिखे थे उनसे ही पता चलता है कि टनाया बचपन से ही देख नहीं सकती थी और उसे और डिलन को बचपन में ही वेंजेक्स द्वारा किडनैप कर लिया गया था। उन दोनों को कुछ और लोगों के साथ वेंजेक्स की खास फैसिलिटी में रखा गया जहां उनसे जबरदस्ती ग्रैंटस नाम की रोबोटिक आर्मी बनाने का काम लिया गया। जब डिलन और टनाया ने वहां से निकलने की कोशिश की तो उन दोनों के शरीर में वेंजेक्स वायरस इंजेक्ट कर दिया गया। सेम ब्लड रिलेशन होने की वजह से डिलन और टनाया पर्सनैलिटी वाइज भी काफी हद तक एक दूसरे को रिजेंबल करते थे। उन दोनों को अक्सर उन्हीं लोगों से आर्ग्यूमेंट करते हुए देखा जा सकता है जिनसे उन्हें ओपिनियंस लेने चाहिए थे। मिसाल के तौर पर डिलन के केस में डॉक्टर के और टनाया के केस में वेंजेक्स। पावर्स की बात करें तो टनाया हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट थी, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी और वो लेजर ब्लास्ट भी कर सकती थी। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 10 बेस्ट पावर रेंजर फीमेल विलन्स। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आपकी फेवरेट पावर रेंजर फीमेल विलन कौन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए।
पावर रेंजर्स फॉरएवर।